आज पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, नहीं 14 हो गया 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द एरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3, 15, 27, 39 विल बी 134, 32, 132 मोर देन 54th टर्म। विच टर्म, मान लेते हैं लेट द nth टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म। ठीक है, ए वन कितना है 3, ए टू 15। देखो कॉमन डिफरेंस, आप जब यहाँ नहीं लिखते हैं कि ए वन ए टू क्या है, फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा फर्स्ट टर्म ए वन, सेकेंड टर्म ब्रैकेट में लिख देंगे ए टू। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, 15 माइनस 3 12। वेयर कंडीशन क्या है, वेयर टी एन इज इक्वल टू टी 56 माइनस 132। लेस बोला मोर बोला है तो प्लस। टी एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, इसका कितना होगा, टी 56 का क्या होगा, ए प्लस 55 डी प्लस 132। फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म थ्री प्लस एन माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 12। 3 प्लस 55 इंटू 12 प्लस 132, राइट। 3 प्लस 3 12 एन, थ्री प्लस 12 बन जा 12, ठीक है, तो 12 एन 12 इंटू 1 कितना होगा 12 इसकल टू 3 प्लस 15 इंटू 12 12 फाइव जा 60, 12 बन जा 12, 12 और 6 18, 180 प्लस 132, राइट। कितना आ जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो 183 प्लस 132 कितना होगा 183, तो ये हो गया 315। और इधर क्या हो जाएगा, इसको दोनों को सॉल्व करेंगे कितना होगा -9, राइट। -9 12 एन माइनस 9 12 एन माइनस 5 12 एन इज इक्वल टू 315 प्लस 5 320 एन इज इक्वल टू 320 को 12 से डिवाइड करेंगे कितना आगा, अरे यहाँ गलती हो गई ना, यहाँ पे 9 होगा, अभी 9 उधर जाके कितना हो जाएगा प्लस 9, और फिर टोटल भी गड़बड़ हो गया, कितना होगा 324 को 12 से डिवाइड किए, 324 को 12 से डिवाइड किए तो आंसर आ गया 27 जा, एन इज इक्वल टू 27। देयरफॉर 27th टर्म इज 132 मोर देन 56th टर्म, राइट। ये आंसर आ गया, इसको 54। तो स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ी सी फिर गलती हो गई,
यहाँ पे 56 नहीं है, ये है 54, 54 ये हो गया 54, यहाँ सही लिखा था, यहाँ पे 54 ए प्लस 53 डी, 53 यहाँ पे आएगा है ना। अब यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़, 53 इंटू 12 कितना होता है, 53 इंटू 12 636 636 प्लस 9 645 प्लस 132 खा गया क्या, 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 132 ये हो जाएगा 1800 में क्या बोला मैंने, 636 प्लस 3 प्लस 132 771 प्लस 9 636 तो यहाँ पे 780